नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें अपने 54 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 55 नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, कल वाला पेपर है वो बहुत कम लोगों ने देखा है, लगभग 2500 के आसपास लोगों ने देखा है कल वाला पेपर। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अफवाहों पे ध्यान न दें। परीक्षा है वो जब तक आरपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। और मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि आरपीएससी का नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, दोस्तों अपनी तैयारी है वो जारी रखें। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो दोस्तों, ये सबको पता होगा, मेगस्थनीज था। ठीक है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो किसके शासनकाल के दौरान? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान ये आया था। और हर्षवर्धन किसके शासनकाल के टाइम आया था? तो हेनसान के शासनकाल के अंतर्गत टाइम आया था हेनसान, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है, आज का जो पेपर है 55 नंबर का, ये प्रश्न पेपर है बहुत ही इजी है। इसमें आपके 75 में से कम दोस्तों 70 नंबर तो आने ही चाहिए किसी भी हालत में। तो दोस्तों, नंबर तीन प्रश्न है, और जिसके जितने प्रश्न आ रहे हैं, जिसके जितने नंबर आ रहे हैं वो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तीसरा प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों, किन के बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर और राणा प्रताप सिंह के मध्य। नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नंबर चार नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो सच्चा बादशाह दोस्तों किसको कहा था? तो गुरु अर्जुन देव को कहा था, ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, ठीक है। नंबर पाँच प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? तो कौन सा उपन्यास है वो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आनंद मठ। नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर सिक्स प्रश्न है, इसमें देखो, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है ज्योतिबा फूले। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सात नंबर प्रश्न है, इसके अंदर देखो थोड़ा सा प्रश्न है वो दोस्तों सुन लेना, आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो, किस जैविक राष्ट्रीय उद्यान को H5N1, ठीक है, H5N1 ए से संक्रमण के कारण 6 मोरों की मौत के बाद उसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है? तो दोस्तों, कौन सा जैविक या राष्ट्रीय उद्यान है उसको H5N1 के संक्रमण के कारण 6 मोरों की मौत के बाद उसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया? तो दोस्तों, कौन सा है वो? तो वो है संजय गांधी जैविक उद्यान। नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर आठ नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, 12 जनवरी से कहाँ पर छठे अंतर्राष्ट्रीय उत्सव सॉरी 12 जनवरी से कहाँ पर छठे अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा 12 जनवरी को छठे अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है नंबर डी ऑप्शन, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर नाइन प्रश्न, इसके अंदर देखो, 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय केंद्र परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ पर किया? तो दोस्तों, वाराणसी में किया। कहाँ पर किया? वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, तो नंबर 10 नंबर प्रश्न देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह है कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा है? तो वो है लोथल। नंबर
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न, तो इसके अंदर देखो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयतेव लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध के किसका विशाल भंडार था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व मगध के किसका विशाल भंडार था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लोहे का, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कृति शूद्रक की है, तो दोस्तों कौन सी कृति है वो शूद्रक की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मृच्छकटिकम, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 14 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो वाग्भट का संबंध किस क्षेत्र से है, तो किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों चिकित्सा से क्षेत्र से है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्वेश्वर से संबंधित विश्वेश्वर के संबंध भारतीय इतिहास के किस काल से है, तो दोस्तों विश्वेश्वर का संबंध है वो भारतीय इतिहास के किस काल से है, तो वो है दोस्तों मध्यकाल से, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16 नंबर, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है सोथी को, ठीक है, किसको कहा जाता है सोथी को, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 नंबर प्रश्न है इसका, इसमें देखो शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जोहड़ के आ जाता है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 19 नंबर प्रश्न, तो इसमें राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है, तो वो मिलती है दोस्तों पश्चिमी में, कहाँ पर मिलती है पश्चिमी में, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो दोस्तों पंचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 21 नंबर प्रश्न है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो दोस्तों दोआब कहते हैं, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 22 प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो कौन सी नदी है वो, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लूणी, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें देखो नंबर 23 प्रश्न, इसमें देखो ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में को पूर्व में से जोड़ती है, तो दोस्तों किससे किसको जोड़ती है, तो वो सेंट पीटर्सबर्ग व्लाडिवोस्टक इनको जोड़ती है दोस्तों, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी प्रार्थना सभा की स्थापना। नेक्स्ट नंबर 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से किस हस्ती का सर्वप्रथम नोबल पुरस्कार भारत द्वारा प्रदान किया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नंबर 26 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति में किस ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया, तो वो है दोस्तों ब्यावर एवं खेरवाड़ा है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखो, इसमें निम्न में से किस हस्ती का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार भारत प्रदान किया गया है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार भारत के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था सर्वप्रथम, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में किन ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया, तो दोस्तों दो ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया था, ब्यावर और खेरवाड़ा ने, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 27 नंबर प्रश्न है, एक थंबिया महल किस स्थान पर स्थित है, तो वो है दोस्तों डूंगरपुर में, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, गुजर प्रतिहार वंश के किस शासक ने पेल्ला पेल्ली उपाधि धारण की, तो दोस्तों पेल्ला पेल्ली की उपाधि किसने धारण करी, तो वो करिए दोस्तों नरभट ने, ठीक है, नरभट ने पेल्ला पेल्ली की उपाधि धारण की थी दोस्तों। नेक्स्ट है नंबर 29 नंबर प्रश्न, नींबू चना किसान आंदोलन हत्याकांड
राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1925 के अंदर अलवर में हुआ था। नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है नंबर 30 नंबर प्रश्न, तमंचा शाही, मदन शाही, कटार शाही, डब्बू शाही आदि क्या क्या हैं? तो दोस्तों क्या क्या हैं, ये रियासतों में प्रचलित सिक्के हैं दोस्तों। नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 31 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फुहारा पद्धति से होगी, तो वो है दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना में, ठीक है। नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नंबर 32 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों का आरोही क्रम है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों का आरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 33 नंबर प्रश्न है, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी आदि तिलहन फसलें हैं, तो दोस्तों ये रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है, कपास उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है, तो दोस्तों कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा दोस्तों छठा स्थान। नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नंबर 35 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः हैं, तो वो कौन से हैं? तो दोस्तों ये है बांसवाड़ा और झुंझुनू, ठीक है ना, ये बांसवाड़ा है यहाँ पे, तो नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा और झुंझुनू। नेक्स्ट, भारत में चार बेत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चार बेत कला का प्रवर्तक है वो दोस्तों अब्दुल करीम खान को माना जाता है, ठीक है, अब्दुल करीम खान को माना जाता है। नेक्स्ट नंबर 37 नंबर प्रश्न है, युद्ध नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो वो है दोस्तों किस जनजाति का, तो भील का है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, मावलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये कथोड़ी जनजाति का नृत्य है मावलिया, ठीक है। नंबर 39 नंबर प्रश्न है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेदशालाएं, जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? तो किस शहर में नहीं है? तो दोस्तों भोपाल में, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा द्वारा दिया गया? तो किस राजा द्वारा? तो राम सिंह द्वितीय द्वारा, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 41 नंबर प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो बटाडू का कुआ को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, जो कहाँ पर है? बाड़मेर में, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो दोस्तों महाराजा उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 43 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो वो बने थे दोस्तों 1949 में महाराज प्रमुख बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 44 नंबर प्रश्न, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। नंबर 45 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित हुए, तो दोस्तों लोकनायक की उपाधि से विभूषित कौन से नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयनारायण व्यास, ठीक है, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो होली से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है? तो पणिहारी नृत्य है, वो होली से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 47 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो, पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की गई है जो जानी जाती है, तो वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, नंबर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 48 नंबर प्रश्न है, एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो एक ही आंदोलन है वो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे तो कौन थे? तो वो थे दोस्तों उस्ताद चांद खां, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 50 नंबर प्रश्न है, तालाबंदी गायकी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है दोस्तों पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, छात्रों के साथ कक्षा में अंतःक्रिया करते समय अध्यापक को उसके मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना आवश्यक है, तो दोस्तों किसका
इसका ज्ञान होना क्या आवश्यक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सदैव इसका ज्ञान होना आवश्यक है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 52 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र के भावी निर्माताओं का निर्माण करने के रूप में अध्यापक का कार्य हो गया है, राष्ट्र के भावी निर्माताओं का निर्माण करने के रूप में अध्यापक का कार्य हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण, नंबर ए ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, सजगता के लिए अध्यापक को विद्यार्थी के बारे में जानना आवश्यक है, उनकी रुचियों को, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 54 नंबर प्रश्न है, सामाजिकता के लिए आवश्यक गुण है, तो दोस्तों व्यवहारिकता, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्यधिक मेधावी व्यक्तियों में सामाजिकता के गुण का अभाव पाया जाता है, तो वो है दोस्तों कभी कभी, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 56 नंबर प्रश्न, मधुप शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तड़ित, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रत्नाकार का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों रत्नाकार का पर्यायवाची नीलोत्पल नहीं है, ठीक है, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 58 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखो धुरंधर ये नहीं है दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 59 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो चंद्रिका शब्द के विभिन्न विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची समानार्थक नहीं है, उसे छांटिए, तो दोस्तों उसे छांटना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकापति, नंबर सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 60 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो तालाब शब्द के विभिन्न विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए, तो दोस्तों उसे छांटना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरसी, नंबर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 61 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो प्रतिमा का परिचय देते हुए सौरव कहता है, यानी कि प्रतिमा का परिचय देते हुए क्या कहता है सौरव, कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है, यानी कि मेरी माँ है और मेरी माँ का इकलौता पुत्र कौन हुआ, तो मैं हुआ, और मेरी पत्नी है ये, मेरे पुत्र की पत्नी है, सॉरी वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है, यानी कि पुत्र की पत्नी, यानी कि मेरी पत्नी है ये, तो प्रतिमा सौरव से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों प्रतिमा सौरव से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों पत्नी है, इसमें साफ दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1, 3, 7, 15, 31, तो इसमें देखो 1, 3 में कितने का, 1 और 3 में कितने का गैप आ रहा है 2 का, फिर 3 और 7 में कितने का आ रहा है 4 का, फिर 7 और 15 में कितने का आ रहा है 8 का, तो दोस्तों देखो इसमें 2 डबल हो रहा है, 2, 4 फिर 8 फिर 16, आगे 16 का गैप आ रहा है और आगे आएगा 32 का गैप, तो 31 में 32 जोड़ेंगे तो अपने 63 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 63 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो आरती का छोटा भाई सोहन, ठीक है, आरती का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, यानी कि आरती है इसका छोटा भाई है जिसका नाम है सोहन और ये सीता से बड़ा है, ठीक है, ये सोहन है और ये सीता से बड़ा है, ठीक है। अब आगे देखो श्वेता दीप्ति से छोटी है, इसको छोड़ दो, देखो श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु आरती से बड़ी है, तो श्वेता है वो किससे बड़ी है, किससे छोटी है, दीप्ति से, तो ये देखो श्वेता मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और ये किससे छोटी है, तो ये ऊपर ऊपर दीप्ति से छोटी है, ठीक है, ऊपर ऊपर दीप्ति किंतु आरती से बड़ी है, तो श्वेता है ये आरती से बड़ी है, ठीक है, ये तो आरती से बड़ी है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आरती है, तो ये तो इसमें ये पूछ रहा है कि आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो इसमें सबसे बड़ी दीप्ति है, तो नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 64 नंबर, बी सी का पति है, ए बी की बहन है, डी सी की बहन है, डी का बी से क्या रिश्ता है, तो दोस्तों क्या रिश्ता है डी का बी से, तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना, देखो इसमें करना है बी सी का पति है तो बी है ये सी का क्या है पति, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी से, ठीक है, ए बी की बहन है तो ए है वो बी की बहन है, तो ये बहन हो गई दोस्तों, ठीक है। अब देखो डी सी की बहन है तो डी है वो सी की बहन है, ठीक है, ये मैंने डी बना दिया इधर, ठीक है, ये कौन है, ये सी की बहन है, तो बहन बहन नीचे हो गई दोस्तों, ये भी बहन है। अब ये पूछ रहा क्या है डी का बी से क्या रिश्ता है,
तो डी का दोस्तों क्या लगेगा, ये इसकी बहन और इसकी बहन की बहन ये हो गई, बहन का पति हो गया दोस्तों ये, ठीक है, इसकी बहन और इसकी बहन का पति हो गया बी, तो ये क्या लगेगा, जीजा साली का रिश्ता हुआ, तो दोस्तों नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी साली लगी, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 65 नंबर प्रश्न है, तो इसमें देखो दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, तो देखो यहाँ पे 5 दिया गया है फिर 7 दिया गया है, ठीक है, तो इसमें कितने का गैप हो गया, तो इसमें हो गया दोस्तों 7 का गैप। अब इसमें देखो 12 और 26 है, तो इसमें कितने का गैप हो गया, तो इसमें 14 का गैप हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो तो 26 दुनी 52 और 28, तो इसमें 28 का गैप हो गया, ठीक है, तो 7 दुनी 14, 14 दुनी 28 और 28 और 28 का कितना गैप हो गया, इसमें 56 का गैप हो गया, और 56 और 56 कितने हो गए, 112। तो दोस्तों 112 अगर अपन 110 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 112 तो 222 हो जाएंगे दोस्तों, नंबर बी ऑप्शन अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 66 नंबर प्रश्न, यदि किसी लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि की जाए तो शंकु के आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसमें 100% की वृद्धि होगी, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 67, तो इसमें देखो एक लंबवर्तीय बेलन किसी आर अर्धव्यास वाले गोले को ठीक ठीक परिबद्ध करता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो दोस्तों ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, यहाँ पे सूत्र रख लेना और इसमें आसानी से सोल्व हो जाएगा ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1:2। नेक्स्ट 20% तथा 15% के दो क्रमवार बट्टे एकमात्र बट्टे के समतुल्य है, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन 100 लेंगे, ठीक है, 100 का 20% निकालेंगे तो इसका 80 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 20% निकाल दिया तो अपने पास बच गया जो समतुल्य है वो कितना 80 बच गया, और 80 1% निकाल दिया अपने, ठीक है, 20 रुपये कट गए 20%, अब इस 80 का 15% निकलेगा, तो 80 का 15% कितना हो गया, तो 12 रुपये हो गए दोस्तों, तो ये 20 और 12 कितने हो गए, ये हो गए 32, ठीक है, तो दोस्तों इसका यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए 32, ठीक है, 32, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 32, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो देखो अपने पास 100 रुपये की वस्तु है, अपन ने उसके ऊपर 20% अंकित कर दिया, तो कितना हो गया 120 अंकित कर दिया, और इसमें 10% की छूट दी है अपन ने, तो 12 रुपये की छूट दे दी, तो अपने पास कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 8% का लाभ हो रहा है, ठीक है, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कमीज को बेचते समय एक दुकानदार 7% का एक बट्टा देता है, यदि उसे 9% का बट्टा दिया जाए तो उसे लाभ के रूप में 15 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे 9% दिया हुआ और यहाँ पे 7, तो दोस्तों इन दोनों को घटा लो, इन दोनों को घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे 2%, ठीक है, 2% बराबर कितने हो गए 15, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 7.5, यानी कि 1% बराबर 7.5 और 100% बराबर कितना होगा 750, तो नंबर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 71 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखो व्हेन डिजाइनिंग द रिवार्ड्स ऑफर्ड रिमेंडाइल टीचर्स शुड टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग, तो दोस्तों इसके अंदर आएगा वो है रिव्यूइंग एंड रिविजिंग द रिवार्ड स्कीम 1 in 5 year, ठीक है, 5-6 year, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 72 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विच वन इज ए मेथड टू इम्प्रूव स्पोकन स्किल्स, तो इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों वो है डिबेट्स, ठीक है, डिबेट्स, नंबर बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग पीपल्स पुपिल्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, तो इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों वो है टीचिंग प्रिपरेशन, ठीक है, नंबर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 74 नंबर प्रश्न है, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड विथआउट एनी प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एज, एक्सक्यूशन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट वन ऑफ द स्टेज
ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों इसके अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा इसमें मेंटेनेंस, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का अपना सबसे इजी मॉडल पेपर था, इसके अंदर आपको कम से कम 70% दोस्तों 70% क्या 70 नंबर आने चाहिए दोस्तों 75 में से, ठीक है। एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन मान के चलना है, आपको डेढ़ नंबर का नहीं मानना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।